चलिए चिकित्सा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। सभी संविदा कर्मियों को किया जाएगा परमानेंट। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा की फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत। संविदा कर्मियों के अलग कैडर को लेकर बोले चिकित्सा मंत्री, कहा राज्य सरकार संविदा कर्मियों के लिए बना रही है अलग कैडर। कल ही कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि संविदा कर्मियों का अलग कैडर बनेगा। करीब 1 लाख से अधिक संविदा कर्मी नियमित किए जाएंगे। चिकित्सा मंत्री ने माना कि विभाग में सर्वाधिक संविदा कर्मी मौजूद है। इन सभी संविदा कर्मियों को लेकर राज्य सरकार अत्यंत गंभीर है। अलग कैडर बनाकर इन संविदा कर्मियों को नियमित करने का रास्ता खोला जाएगा। संविदा कर्मी मिले हैं और ये बहुत बड़ा फैसला है माननीय मुख्यमंत्री का, बहुत बड़ा फैसला कह सकता हूँ। सभी विभागों में जो संविदा कर्मी लगे उसके लिए रूल्स बनाकर उनको सबको परमानेंट करेंगे। उनको निश्चित रूप से एक पॉलिसी बना के सबको, किसी को भी हम नौकरी से नहीं हटाएंगे, सबको परमानेंट करने की सभी विभागों में कार्रवाई शुरू कर दी गई। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए बहुत बड़ा फैसला और अहम फैसला जिसकी मांग लंबे अरसे से सभी संविदा कर्मी भी कर रहे थे। जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच है, कल कैबिनेट में भी फैसला दिया गया है संविदा कर्मियों के लिए रास्ता खोला जाएगा कैडर बनाकर के रखे, उसी को लेकर चिकित्सा मंत्री ने आज बड़े घोषणा किए कि विभाग के अंदर जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सभी कर्मियों के लिए सरकार के स्तर पर जो कैडर बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें सभी लोगों को शामिल किया जाएगा। उनको शामिल करके और उनका अलग से कैडर बनाया जाएगा, अलग से कैडर बना करके सेवा नियम बना करके उनको नियमित किया जाएगा। ये कह सकते हैं कि जो घोषणा है उन संविदा कर्मियों के लिए जो की वर्षों से चिकित्सा विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, इस उम्मीद में कि उनकी सरकार सुनेगी, सरकार उनको परमानेंट करेगी, ये जो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सरकार ने मानस बना लिया है कि उनका अलग से कैडर बनाया जाएगा और कैडर बनाकर उनको नियमित किया जाएगा। जी बिल्कुल, और ये भी जाहिर हुआ है इस फैसले के साथ कि सरकार चिकित्सा विभाग को लेकर कितनी ज्यादा अलर्ट मोड पर है और साथ ही संविदा कर्मी जो दिन रात मेहनत करते हुए नजर आते हैं तो उनके हितों के लिए भी संवेदनशील है। बिल्कुल, देखिए सरकार का अगर बात करें विभागों में तो पहली प्राथमिकता पर चिकित्सा विभाग है और चिकित्सा विभाग भी इसलिए है क्योंकि जिस तरह से कोविड के अंदर बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरा था चिकित्सा विभाग, वहां पर सरकार ने काम किया और उसके बाद में आगे भी जो प्रयास ये रहेगा कि जो चिकित्सा कर्मी जिन्होंने की कोविड के अंदर सरकार की कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, अपनी जान जोखिम में डाल के काम किया, उन सभी लोगों के बारे में बहुत बड़ी बात कही है चिकित्सा मंत्री ने कि अब जो जो मानवीयता के आधार पर काम करेंगे चिकित्सा विभाग के अंदर, जो भी काम होंगे मानवीयता के आधार पर होंगे, ताकि जो लोग यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं उन सभी को एहसास हो इस बात का कि उन्होंने जो सेवाएं दी है उसका सरकार जो है उनका रिवॉर्ड उनको कर रही है। जी बिल्कुल विकास, रिवॉर्ड के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है और एक बहुत बड़ी सेवा वो आमजन की करते हैं अपने काम के साथ ही, तो बेहद महत्वपूर्ण ये फैसला अपने आप में है। अब देखिए ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि संविदा कर्मियों के लिए जो ये बड़ा फैसला लिया गया उनके हित में कितना ज़्यादा हितकारी होने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।